हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैन क्योर। गाइस, आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ मैं वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आम का पन्ना, आम का शरबत आपको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। देखिए, बॉयल करके जो आम का पन्ना बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, वो आपको बेनिफिट देता है या नहीं देता है प्रेगनेंसी के दौरान पे, और क्या इसके एडवांटेज होते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रही मेरी इस वीडियो में, लेकिन साथ ही साथ गाइस अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को जरूर से हिट कर दें, क्योंकि वीडियो की अपडेट आपको तभी मिलेगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या आपको नुकसान देखने को मिलते हैं। तो देखिए, शरबत जब आप लेते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देता है, बहुत ही ज़्यादा इसके गुण आपके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान और अब खास करके गर्मियाँ स्टार्ट होने ही वाली हैं, तो आपको डेली बेसिस पे अगर आप लेते हो ना आम का शरबत बना के, आम का पन्ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है, बेबी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अब आप पूछोगे कैसे, तो देखिए ये क्योंकि न्यू ब्लड सेल्स जो हमारे अंदर बनते हैं और साथ ही साथ बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, तो जब डेवलपमेंट हो रहा है तो बेबी के अंदर भी ब्लड सेल्स बन रहे हैं, तो ये न्यू सेल्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पहला एडवांटेज आपको यहीं पे मिल जाएगा। सेकंड जो होता है वो ये होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देता है, स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है ना, कब्जियत की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, ये उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कारगर, एकदम हेल्पफुल, एकदम रामबाण की तरह ये हेल्प करता है। तो आप डेली बेसिस पे लीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं होता। सी का सोर्स इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो विटामिन सी इससे आपको भरपूर मात्रा में मिलती है और किसी प्रकार की विटामिन सी की कमी आपके अंदर नहीं होगी, और इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपके अंदर पानी की कमी वगैरह होती है तो इस ये उसको भी फुलफिल करता है। गर्मियों में कई प्रेग्नेंट वुमेन को और भी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी वगैरह लगती है, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और बहुत ही ज़्यादा अगर किसी को गैस की समस्या होती है तो इससे उसमें भी हेल्प करता है। तो गाइस, आप ज़रूर से आम का पन्ना लेना स्टार्ट कर दीजिए, आम का शरबत बना के पीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको और आपके होने वाले बेबी को। इस चीज़ को ज़रूर से सोच समझ के चलिए। और देखिए, क्योंकि आप अगर एक छोटी छोटी सी भी चीज़ को फॉलो करते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा वो आपको हर तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। प्रेगनेंसी में छोटी छोटी बातों को आपको ज़रूर से केयर करना चाहिए। तो आम का वरना जितना भी है बहुत ज़्यादा आपको, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन जो होती है महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान, ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप डेली बेसिस पे लेते हो ना, तो आपको कभी भी कब्जियत की शिकायत आप देखोगे कि 10 से 15 दिन में आप ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे ज़रूर से लीजिए और जितना हो सके इसे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले जो प्रेग्नेंट है। और तो गाइस, यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग इसको ज़रूर से लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। तो चलिए, मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।